जी आप ही भूला के पिताजी हैं। सारा गांव आपके गुण गा रहा है, जरूर आप कोई महान पुरुष है, नहीं तो बिना कुछ दिए आजकल कौन किसी की बेटी को अपनी बहू बनाता है। क्या कह रहे हैं आप, इन्होंने तो हमें 50,000 रुपया देने का वादा किया है। 50,000 रुपए जी, इनके पास तो 50 फूटी कौड़िया नहीं है देने के लिए। ये बात है तो अभी फैसला नहीं, नहीं इतनी जल्दी क्या है, जरा फेरे पर जान दीजिए। फेरे पर जाने दीजिए। क्यों जी, अपने उन रुपयों का क्या होना, क्या है दे देंगे, समय तो आने दीजिए। ठीक है ठीक है, मगर वो जरा पहले मिल जाए तो अच्छा है। ये क्या बात है, हर काम का एक तरीका होता है, क्या आपको हम पर इतना भरोसा नहीं इंसान? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो रकम जरा एक बार दिखा तो दीजिए, भले ही दीजिएगा बात। अच्छा हम अभी आते हैं। लीजिए प्रणव, पूरे 50,000 का है, रुपए का इंतजाम अभी नहीं हो सका लेकिन 10 दिन में हो जाएंगे। वाह अच्छी शराफत है आपकी, पूरा नोट लिख कर ले आए, क्या करो इसे लेकर, उड़िया बनाओ इसकी। अरे बेटा श्याम उठ यहाँ से, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, सोचा होगा कि हम धोखे में आ जाएंगे। चल चल उठ। अजी जाइए जाइए, और देखे आप जैसे। देखिए हमने आपको धोखा नहीं दिया है, सिर्फ 10 दिन की मोहलत दीजिए, हम पाई पाई चुका देंगे। पाई पाई चुका देंगे, धोखेबाज देंगे। अगर पहले से मालूम होता कि ऐसे लोग हैं तो मैं अपने घर में पाए भी न रखने देंगे। अरे तू अभी तक यहीं बैठा है, चलो उठ यहां से। पिताजी शांति से काम करें, जल्दी ना कीजिए, जरा सोचिए। आप मुझे कुछ सोचना नहीं, सोच लिया मैंने, चल। बसंती की माँ, ओ बसंती की माँ। अरे अपना काम हो गया, बारात वापस, लड़की बैठ गई। सच नहीं तो क्या झूठ, समझती क्या है वो पार्वती अपने आप को, हमें जबान देके अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी और बसंती यूं ही रह गई। मगर मैं भी छोड़ने वाला नहीं, तुम देखती जाओ, अगर उसी लड़के के हाथ में बसंती का हाथ न थमा दिया तो मैं भी वकीले पे सनद नहीं। अरे तो फिर देर काहे की, जाओ ना। सबर भगवान सबर, अभी तो बाराती गांव के बाहर भी नहीं पहुंचे होंगे, जरा उन्हें दम तो लेने दो फिर देखना। आहा, 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 आहा,
बेटी इधर आना। अच्छा बेटी हम जा रहे हैं, शोभा भी बच्ची है, इस सदमे से कहीं घबरा ना जाए तो उसका ख्याल रखना, हम भरत राम से मिलकर सब ठीक कर देंगे। अब क्या ठीक हो सकता है पिताजी? क्यों नहीं ठीक हो सकता है, है उन्हें रुपया ही चाहिए ना, और कुछ नहीं तो हम अपना मकान बेच के दे देंगे, चिंता मत। बदनामी हुई है और काफी नहीं, ये काम करने चली है, अगर मरना ही है तो अकेली क्यों, चलो हम एक साथ साथ डूब मरेंगे। माँ, भले मुझे भगत राम जी के पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, मैं जीजा जी को साथ लाके रहूंगा। पिताजी, जरा ठंडे दिल से सोचिए, आखिर उन लोगों ने कौन सा ऐसा अपराध किया है, कहते तो हैं कि 10 दिन में रुपया दे देंगे। रुपया तो क्या, वो अगर हीरे मोती लेकर भी आए तो भी इस घर में पाव रखने नहीं दूंगा, मुझे झांसा देने चले थे, मैं उन लोगों के झांसे में आने वाला नहीं हूँ। रुपया परखे बार बार, आप भी परखे एक बार। अरे तू यहाँ क्यों आया है दादा, अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। क्षमा कीजिएगा, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ससुर जी ने आपसे क्या बात की हमें तो मालूम ही नहीं, हमारे पास जो कुछ है बस यही है, स्वीकार कीजिए, अब मेरी बहन को अपने घर में जगह दे दीजिए। लाया है बड़े गहने, कहता है बहन को जगह दीजिए। दादा अब हमारा तुम्हारा क्या नाता, जो कुछ था वो तो ब्याह के पंडाल में ही टूट गया। जा जाओ, अब हमें ना तुम्हारे ये गहने चाहिए और ना तुम्हारी बहन, अब हम तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहते। चीचा जी हमें बचा लीजिए, 2 दिन से किसी ने घर में पानी तक नहीं पिया, अगर आपने दे रखी तो मेरी बहन अपनी जान दे देगी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रही है? अरे जाजा, तेरा ये नाटक यहाँ नहीं चलेगा। बाप और बेटे में फूट डालना चाहता, तेरी दाल यहाँ नहीं गलने की, जा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं शहर जा रहा हूँ 4 बजे की गाड़ी से, 4 बजे। देखा रहा हूँ, मेरे बेटे को ही जुल देना चाहता था, ये नहीं जानता मेरा बेटा वकील है, वकील पागल है माली है। ले अचार संभाल कर रख, अपने छोटे मालिक को खिलाना, कहीं तू तो नहीं चढ़ जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है माले? क्या
आ गए? तुम्हारे गांव जाने वाली बस कब निकलती है? 4:30 बजे जीजा जी। रामू तो मेरा सामान लेकर शहर पहुंच जाना, और देख ये रही घर की चाबी, ध्यान रखना ये बात पिताजी तक ना पहुंचने पाए कि मैं वहां गया हूं, समझ गया ना? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है माने, पर एक बात मेरी भी, बहुरानी को जरूर साथ लाना। अगर ना लाया तो? नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगा। चल चल तेरी ट्रेन जाने वाली, चलो जी बस का टाइम हो गया। जीजा जी आप यहीं ठहरिए, मैं गांव से गाड़ी लाता हूँ। नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे। और देखो राजू, तुम तो जानते ही हो मैं किन हालात में यहाँ आया हूँ। पिताजी अब तक गुस्से में हैं, मगर कोई मौका देखकर मैं उन्हें समझा दूंगा। तब तक ख्याल रहे, गांव में किसी को पता ना चले मैं यहाँ आया हूँ जी। और देखो ये बात अपने घर वालों को भी समझा देना। समझ गया।